नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और हम हाजिर हैं लेकर लैंग्वेज हिंदी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। इसमें हम बात करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित एक संस्मरण की, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। संस्मरण क्या होते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है हिंदी साहित्य के मद्देनज़र, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यह सेशन खास रहने वाला है। उससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप जल्दी से हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर 8800440559। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं dts.class10@cit.nic.in पर। इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज आप पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर देख सकते हैं और साथ में एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब पर भी आप इसे देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। समय हो गया है अपने एक्सपर्ट को इनवाइट करने का और जो स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमाए, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश कोहली जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस एनसीईआरटी से हमसे जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद धर्मेंद्र जी। क्या कमाल का ये संस्मरण, इसका टाइटल है मानवीय करुणा की दिव्य चमक जी, साक्षात्कार। हाँ, जैसा कि आपने नाम से ही बताया कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक जी, एक जिज्ञासा सबसे पहले यही होती है कि इसमें अगर आप शब्दों पे ही जाए कि वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो मानवीय है जी और करुणामय है, उसके साथ साथ उसमें एक दिव्य चमक भी है कि आप वो सामान्य नहीं है, कुछ विशिष्ट है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो दिव्य है। लेकिन इसमें दिव्य वाली बात उस तरह से नहीं है जो पारंपरिक अर्थों में हम लेते हैं। इसके साथ एक मुझे लग रहा है कि इस पाठ को पढ़ते पढ़ाते वक्त हमें दो इनके लेखक की भी और जिनके बारे में ये संस्मरण या कहिए कि एक तरह से स्मृति लेख है, उनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, तभी हम लोग उसको समझ पाएंगे कि आखिर ये है क्या। अगर मैं बिना समय गवाए अपने विषय पे आऊं जी, तो ये जो संस्मरण है या निबंध है या स्मृति लेख है या एक तरह से याद करते हुए किसी को हम अपनी बात कहते हैं, ये आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हिंदी साहित्य में नहीं, पूरे हमारे साहित्यिक सांस्कृतिक और सामाजिक अर्थों में भी इतना बड़ा योगदान होता है कि आप उसको भुला नहीं सकते। और अगर वो व्यक्ति देसी की बजाय अगर विदेश से आया हुआ हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि एक विदेशी जिसका कि जन्म विदेशी जन्मभूमि पर हुआ है वो भारत को अपनी कर्म भूमि बनाता है और फिर यहीं का होके रह जाता है और अंततः उसका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि हम उनको इतने श्रद्धा और उतने कहना चाहिए कि आभार के भाव से याद करते हैं कि उनका किया हुआ कार्य हमारे लिए वो चिरस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसी ही हस्ती का एक नाम है हमारे यहाँ कि फादर जो है फादर कामिल बुल्के। अच्छा। अगर आप हम हिंदी अंग्रेजी की बात करें तो आपने एक डिक्शनरी देखी होगी कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हिंदी और अंग्रेजी शब्द को जब देखता हो और उसको लगता है कि कोई शब्द का सही सटीक अर्थ क्या हो सकता है अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, तो उसको ये डिक्शनरी देखनी ही पड़ती है। निश्चित रूप से। और ये इन्हीं व्यक्ति की लिखी हुई डिक्शनरी है फादर कामिल बुल्के की। मूलतः ये उनके मृत्यु के बाद लिखा हुआ लेख है जो कि सक्सेना जी ने लिखा। और जैसा आपने कहा कि संस्मरण क्या है, तो ये भी है कि संस्मरण बेसिकली वो स्मृति कथा है, हम किसी को याद करते हैं। मैं तो वैसे अभी आते आते सोच ही रहा था कि लगभग पूरा साहित्य ही स्मृति कथा होता है कि हर चीज को हम कहानी को भी एक घटना कैसे घटेगी या घटना कैसे हुई उसको लेके हम उनको शब्दबद्ध फिर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कहानी का, एक कथा का, एक संस्मरण का, एक कोई भी निबंध का रूप ले लेता है। लेकिन इसमें जो विशिष्ट बात यह है कि बुल्के साहब को हम एक ईसाई धर्म प्रचारक तो जानते ही जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि एक काम की वजह से अगर किसी को है कि एक काम बताइए आप उसी के आधार पर वो अमर हैं, तो वो ये डिक्शनरी है। इसके साथ साथ अगर मैं इसमें आप इनके परिचय में भी देखेंगे, अगर आप इनका पहले हम परिचय देखते हैं आखिर में है वो, अगर वो बुल्के साहब का जन्म है वो बेल्जियम में हुआ, 1909 में उनका जन्म हुआ और 1982 तक वो रहे। और 1900 कहना चाहिए कि जब भारत में वो आए उसके पीछे एक असल में क्या है कि इसमें एक दुविधा ये हो रही है कि जो रचनाकार और रचना
जिनके बारे में लिखी गई है वो दोनों ही महत्वपूर्ण है, कि हम किसका परिचय पहले लें वो एक थोड़ा सा वो है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये देखेंगे कि बुल्के साहब जब वो इंजीनियरिंग के छात्र रहे 3 साल लगभग जब उन्होंने पढ़ लिया, तो वो अपने अंतिम समय में उन्होंने जब देखा कि एकदम से उनके मन में आया कि भाई संन्यास मुझे लेना है, मुझे एक प्रचारक की तरह कार्य करना, मुझे ईसाई धर्म, और बेल्जियम में जहाँ जन्म हुआ उनका जिस एरिया में जिस गांव में, वो मुख्यतः इन्हीं कामों के लिए एक तरह से वहाँ माहौल था। और एक बात इनके बारे में और ये है कि पढ़ाई ये इंजीनियरिंग की कर रहे थे, और जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी पूरी हो गई और उसके बाद जब ये लगभग कहना चाहिए तृतीय वर्ष के अंतिम वर्ष की बात है, तो उन्होंने कहा भाई मैं संन्यास लूंगा। तो अचानक लगा कि क्या हुआ, उनके परिवार वाले भी हैरान हुए कि ये क्या मामला है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर आपका मन है तो आप संन्यास ले सकते हैं। और संन्यास लेने के लिए एक ये भी एक वहाँ नियम होता है, जब आप संन्यासी बनते हैं तो आप एक शर्त रख सकते हैं कि मैं इस एरिया में काम करूंगा या जो भी आपकी इच्छा हो वो आप। तो इन्होंने कहा कि मैं भारत में जाके काम करूंगा। बहुत बेहतर। तो ये कैसे हुआ, ये भी एक अचानक से हुआ। क्या हुआ, एक संदर्भ आया कि उन्होंने कहीं तुलसीदास का एक दोहा पढ़ा था, एक चौपाई पढ़ी थी अनुवाद के माध्यम से, और उनको एक कहीं ना कहीं लगा कि इसका मूल अर्थ देखना चाहिए, मूल पढ़ना चाहिए। और वो उन्होंने कहा कि मैं कार्य करूंगा लेकिन भारत में जाके कार्य करूंगा, और वो अपने इस पूरे सोच समझ के साथ भारत आ गए, मुंबई होते हुए मुंबई से रांची गए, रांची से उसके बाद दार्जिलिंग में 8-9 वर्ष तक उन्होंने पढ़ाया लिखाया, जो भी उनका काम था वो किया। लेकिन उनका योगदान जो है, फिर ये बात आई कि उनकी इच्छा हुई कि भाई मैं इनको मूल में पढ़ूंगा तो मुझे उसकी भाषा आनी चाहिए, तो इसी क्रम में वो संस्कृत की तरफ गए। उसके साथ साथ उन्होंने फिर BA किया संस्कृत में, MA किया हिंदी में, और इस तरह से वो हिंदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए, असली जो इनका योगदान हमें कह रहा था कि केवल एक कार्य नहीं, अगर एक कार्य और भी देखना हो, अगर उनका एक कार्य और भी देखना हो, एक तो मैंने कहा शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, अगर दूसरा कार्य जिसका इसमें उल्लेख है हमारे साथ ही देख पा रहे हो, तो कि उन्होंने अपना PhD का जो कार्य किया वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, प्रयाग विश्वविद्यालय से, और उसका विषय जो उन्हें चुना वो था राम कथा के बारे में। राम कथा का भी कैसा विषय, कि जब राम कथा को जानते हुए उन्होंने विषय चुना कि राम कथा की जो उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, ये वो शोध कार्य है जो कि अपने आप में कहिए मील का पत्थर है। जब आप भारतीय राम कथा को जानना चाहेंगे तो कोई भी शोध का जब विद्यार्थी देखता है, आज भी अगर कोई राम कथा पे काम करना चाहता है तो वो कहता है अच्छा ठीक है, पहले सबसे पहले आप फादर जो कामिल बुल्के हैं उनका राम कथा उत्पत्ति और विकास किताब पढ़िए, जो कि उनका शोध प्रबंध है। और इसमें इन्होंने न केवल भारत में जो सैकड़ों उनके वर्जन मिलते हैं राम कथा के, बल्कि देश विदेश में, इंडोनेशिया हो, जावा हो, वियतनाम हो, पूरी दुनिया में फैले हुए जो राम कथा के सोर्सेज हैं, वो ऐसा प्रमाणिक कार्य किया कि एक किताब, फिर मैं कहूं कि अगर एक किताब किसी की का नाम लेना हो तो ये वो किताब है जिसके बगैर ना तो हमारा काम चलता है और ना राम कथा पे जो शोध कार्य करते हैं उनका काम चलता है। तुलसीदास पे उन्होंने और भी किताबें लिखी, तो 2-3 किताबें इनकी, एक तो ये राम कथा की उत्पत्ति और विकास, दूसरा अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, और इसके अलावा बाइबल का भी इन्होंने अनुवाद किया। और इनके पूरे ये इनका जो हिंदी के प्रति लगाव वो ऐसा सामान्य लगाव नहीं था, इनकी चिंता जब ये भारत आए तो इनको लगा कि ये मामला बड़ा गंभीर है यहाँ पे, कि यहाँ के जो उत्तर भारत के खास तौर से इनकी या पूरे भारत के क्षेत्र विशेष की बोली अलग है लेकिन अंग्रेजी के प्रति भी एक अलग तरह का लगाव दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने इस बात को कहा कि अगर भारत को कोई भाषा जोड़ सकती है तो वो हिंदी ही है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की जो इनकी इच्छा थी वो लगातार बनी रही, और सारी जिंदगी लगभग
47 साल तक जब तक ये भारत में रहे, इन्होंने भारत की ही नागरिकता ले ली और बाद में उनका जो निधन भी हुआ 1982 में वो भारत में ही हुआ, एम्स में, दिल्ली में। अब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जो बेल्जियम से चला भारत में आया, हिंदी रामकथा, हिंदी अंग्रेजी शब्द को अपना जीवन पूरा उसमें लगा दिया, ऐसे व्यक्तित्व को याद करने के लिए अब ऐसा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति भी चाहिए था। और इसी को, इसी महान व्यक्तित्व को याद करते हुए सक्सेना जी ने अपना ये संस्मरण है वो लिखा। इससे हमें इसकी पृष्ठभूमि, मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने विद्यार्थियों से भी और शिक्षक साथियों से भी, मैं देख रहा था कि अगर आप फादर कामिल बुल्के के बारे में और जानकारी चाहते हैं, विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो राज्यसभा पे उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, बेहद खूबसूरत फिल्म है और आप उसको जरूर देखिए और आपकी जानकारी में और अनुभव में निश्चित रूप से उससे फायदा होगा। अब आते हैं हम अपने इनको याद करने का। अगर बुल्के साहब 47 साल भारत में रहे, भारत की नागरिकता ली, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया उनके पूरे योगदान को देखते हुए, तो सक्सेना जी का उनके साथ जो संबंध था वो लगभग 30-35 साल का था। 35 साल का संबंध उनके साथ रहा और वो संबंध उसी संबंध के आधार पे इन्होंने ये अपना संस्मरण लिखा। और ये इनकी मृत्यु के बाद इनके जो शब्दावली है उससे पता चलता है कि ये, अब देखिए संस्मरण याद करने का तरीका है कि कैसे, देखिए अब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा शीर्षक का कि ये शीर्षक किन के बारे में है। जी, जी, जी। कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो बुल्के साहब का जो व्यक्तित्व था वो मानवीय करुणा से भरा हुआ, एक दिव्य चमक से आभा लिया हुआ ऐसा व्यक्तित्व था। और अब जो सर्वेश्वर सक्सेना है ये खुद बड़े कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, इनका समय भी वही है, ये भी 1982 या 83 तक हमारे साथ रहे और इनके भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कविता संग्रह आप देखेंगे, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, और इसी कविता संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास कहानी है और लड़ाई है वो ये उपन्यास है और कहानी लड़ाई है वो कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है। बकरी एक इनका बहुत चर्चित नाटक है जिसका मंचन बार बार हुआ और जिस खूटियों पे टंगे लोग की अक्सर लोग चर्चा करते हैं। आप देखिए शीर्षक से ही आप उस कविता लगता है कि हाँ ये कुछ कविता में मामला है और उसी के लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो भी मिला। और मुख्यतः सक्सेना जी जो हैं वो मध्यम वर्गीय जीवन की जो आशा है, अभिलाषा है, उसके बारे में लिखने वाले लेखक हैं, कवि हैं, और एक जो दिनमान पत्रिका में, साप्ताहिक पत्रिका जो थी उसमें काम करते थे, उसमें इनका एक निबंध स्तंभ लेख चलता था कि चर्चे और चरखे, वो बहुत चर्चित हुआ और उसी का ये मैं कहूँगा कि जो याद करने का तरीका है। अब आते हैं हम अपने संस्मरण पे। मैं इस ये क्या है कि मैंने कहा ना कि दो व्यक्तित्वों को एक साथ संभालना इतने कम समय में बेहद मुश्किल कार्य है, लेकिन अब देखिए ये याद कहां से करते हैं कि बुल्के साहब की जो कहना चाहिए डेथ हुई वो इन्होंने लिखा। देखिए आप एक दो पंक्तियों से अंदाजा लगाएंगे, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? ये आप जहरबाद से ऐसा लगता है कोई, ये भाई उर्दू का शब्द है उससे बना हुआ है और ये एक तरह की गैंग्रीन, जिसको कहिए कि एक फोड़ा हो जाता है कहीं पे भी, वो कैंसर जैसा ही है, लाइलाज है और उसी से उनकी मृत्यु हुई। कि आपने उनके एक तरह से किस वजह से उनकी डेथ हुई वहां से शुरुआत की। अब उसके बाद अगला जो है वो उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। देखिए कि एक लंबी
पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। कैसे थे, अब उनका रूप व्यक्तित्व कैसा था उससे अंदाजा लगाइए। गोरा रंग, सफेद झाई, मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अब इससे हमें ये पता चलता है कि भाई उनका व्यक्तित्व कैसा था और सक्सेना जी का उनका परिचय कहाँ हुआ। और ये देखिए, उससे अगली लाइन भी पूरी कविता में ही है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब अगर आप इसको अनुभव करके नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप इसकी कहना चाहिए कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। कि एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, याद करना। और उनको देखना कैसा था, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। ये है इनकी खूबी, जो इस लेख की स्मृति का जो अंश है उसकी। और उनसे बात करना कर्म में संकल्प से भरना था। ये तीन ही वाक्य अपने आप में पूरे उनके व्यक्तित्व को बताने के लिए काफी हैं। और इनकी परिचय की शुरुआत, जैसा हमने कहा कि वो इलाहाबाद में जब पीएचडी एमए करने के लिए गए और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई, इसी में इनका एक आता है कि भाई परिमल संस्था बनी, परिमल निराला की जो कवि निराला का काव्य संग्रह है, कविता है, उसके आधार पे एक साहित्यिक संस्था थी इलाहाबाद में। और एक उस संस्था से इनका जुड़ाव हुआ, बुल्के साहब का भी, बाकी लोगों का भी। और ये जो साहित्यिक जुड़ाव होते होते एक पारिवारिक जुड़ाव में, कि कहते हैं एक जगह कहते हैं कि फादर बुल्के सन्यासी तो थे लेकिन पारंपरिक अर्थों में वैसे सन्यासी नहीं थे, जिनको मोह माया से और पारिवारिक और सब रिश्तों से दूर कहीं चले जाएं, वैसा नहीं। वो ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि वो आपके सुख दुख में आपके हमेशा साथ होते थे। वो कहते हैं जब भी वो दिल्ली आते या कहीं मिलते तो पूरा समय निकाल के आते और हमसे जरूर मिलते। अब इसी को अगर आप देखें, जो कहते हैं ना, ये लिखने की शैली भी देखना अगर आप चाहें तो, ये अक्सर लोग इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए ये कहां से शुरू करें, ये वाक्य है। देखिए अब ये कहेंगे, आप भी किसी के बारे में जब संस्मरण लिखते हैं या कोई चीज याद करते हैं तो हम कहते हैं भाई कहां से शुरू करूं। तो उनको याद आता है कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, कि पहली बार देखा होगा उन्होंने कि भाई एक जो है फादर है वो ईसाई धर्म प्रचारक या जो भी कहिए, अब वो चले आ रहे हैं। लेकिन वो हिंदी के अध्येता के रूप में वहां पे इलाहाबाद में, प्रयाग में उनका पूरा जीवन गुजरता है। और वो कहते हैं हमने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। एक संदर्भ बड़ा रोचक है इसमें, और वो कहते हैं कि पूछते हैं बातचीत में याद करते हुए कि आपको कभी अपने देश की याद नहीं आती, तो वो कहते हैं मेरा देश तो भारत ही है। अरे वाह, इससे बेहतर बात। तो फिर वो कहते हैं अगर आप, अच्छा ये ठीक है कि तो आपको अपनी जन्मभूमि याद नहीं आती, कहते आती है, मेरी जन्मभूमि है वो बहुत सुंदर है। देखिए इसमें ये अंश देखिए, मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल जो बेल्जियम में इनका गांव है वहां, वो कहते बहुत सुंदर है। और किसकी याद आती है, बुरा माँ की याद आती है। माँ के परिवार इनका बड़ा, जैसे कहते भाई भी हैं, बहन भी है, पिता भी हैं। और ये अगर आप इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके योगदान के बारे में और जानना चाहें, कि वो उनकी जन्मभूमि बेशक बेल्जियम है लेकिन कर्म भूमि जो है वो भारत ही है। और यही वजह है जब वो याद करते हैं, जब उनको अंतिम समय में कफन में ईसाई उससे दफनाया जा रहा था, तो वो कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि भाई एक सन्यासी ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे लिए शायद मेरी मृत्यु पे कोई रोएगा या नहीं, पता नहीं, लेकिन उस दिन रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। और उनके बारे में लिखना ऐसा है जैसे कि शाही फैलाना, कि अगर आप इतने लोग वहां पे उनको याद करने वाले, उनको उनके चाहने वाले, ये अंश आप देखेंगे तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि उनका योगदान कैसा है। ये देखिए, ये संक्षेप में है, जैसे मैंने बताया कि राम कथा और वो उसकी चर्चा मैंने की जी जी। और उसी के साथ सेंट जेवियर में उनका लंबा, कॉलेज में उनका लंबा अनुभव रहा। और एक बात और जो वो बार बार कहते थे कि राष्ट्रभाषा के बारे में, कि
हिंदी को, जो पहले भी मैंने कहा कि हिंदी के, वो कहते वैसे कभी नहीं झुंझलाते थे, बहुत शांत उनका गंभीर बातचीत में, और हमेशा एक परिवार के बड़े के रूप में हम उनको पाते थे। लेकिन हिंदी की जब राष्ट्रभाषा और कहना चाहिए कि लिखने पढ़ने की बात आती थी, तो कहीं ना कहीं उनको दुख होता था कि हिंदी की जो बुरी स्थिति है वो हिंदी क्षेत्र में ही है। इस वजह से वो परेशान होते थे कभी कभी। और जब उनको मैंने कहा, जैसे दफनाया जा रहा था तब कहा था, तो उनके जो पढ़ा गया कि फादर बुल्के साहब जो हैं वो धरती में जा रहे हैं, और लिखा है उसमें कि इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। क्या बात है कि अगर धरती में वो जा रहे हैं तो आप सोचिए कि किस तरह की उनकी इच्छा थी। अंतिम हम लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय की हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत है, हम अंतिम उसको पढ़ के कि कैसा उनको लगा और कैसा वो थे उनके व्यक्तित्व के, उस समय जब देखिएगा कि उस समय के जितने भी महत्वपूर्ण साहित्यकार, इसमें सूची दी हुई है कि निर्मला जैन हो, अजीत कुमार हो, जैनेन्द्र कुमार हो, मतलब सब लोग थे उस समय। और ये अंतिम जो पैराग्राफ है वो देखिएगा कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूं। ये है, आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं, उसके योगदान को अपनी शब्दावली में बांधते हैं। आप संस्मरण बगैर आत्मीय अंतरंग हुए लिख ही नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें भी अब जब आप किसी के योगदान को रेखांकित करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है कि उसकी अच्छाई बुराई आपको दोनों रेखांकित करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर 47 साल के योगदान के बाद फादर कामिल बुल्के, मैं तो कह रहा हूं कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, बार बार वही बात मुझे आती है कि उनके योगदान के बिना हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश और रामकथा की चर्चा अधूरी है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनका व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण है और उनका योगदान कितना कहिए कि महत्वपूर्ण है, कि हमें उसको जरूर जानना समझना चाहिए। निश्चित रूप से, पहली चीज़ तो जब शुरुआत हम कर रहे थे इस संस्मरण की, तो आपने एक बात बोली थी कि दो व्यक्तित्व को एक साथ एक माहौल बनाना, और जो समय हमें थोड़ा सा लगता है कि लगा वो, लेकिन ये जरूरी भी था कि जब तक आप उस मन को नहीं समझेंगे, मनोदशा को नहीं समझेंगे कि कैसे विदेश से कोई एक व्यक्ति आता है, और रामायण एक महाकाव्य जैसी चीज़ को आपको लिखना समझना पड़ना हो, जब आपको कहीं ना कहीं पोषिदा रूप में जिजीविषा को देखा होगा कि तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना, आपको वो अंतर मन में एक जिजीविषा जागी कि चलिए मैं इस परिक्षेत्र में जाकर, इस मातृभूमि में जाकर कुछ अच्छी हिंदी के लिए योगदान दे सकूँ। नहीं, अपने आप में एक बहुत संकल्पित मैं सोचता हूँ कि डिसीजन था। और 47 वर्षों बाद यश, जैसा कि आपने बोला कि उनको अभी भी याद कर रहे हैं, तो पता चलता है कि ये दिव्य जो स्वरूप था वो वास्तव में दिव्य चमक लिए हुए था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कोहली, आपने इतना बढ़िया संस्मरण, इतने अच्छे व्यक्तित्व से हम सबका साक्षात कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे, जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अगला जो सेशन है वो है मैथमेटिक्स, जहां पर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बन रही है मेरे साथ।